और सबसे पहले मैं आपको वेलकम करना चाहूँगा हमारी इस ऑनलाइन क्लास में, और आपको थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने इस कोर्स को एनरोल करने की का मन बनाया आपने। तो सबसे पहले आप जो सॉफ्टवेयर जिसके जरिए आप ज्वाइन किए हैं जूम ऐप, उसके बारे में समझा देता हूँ। ये एक नेट मीटिंग सॉफ्टवेयर है, या आप वेबिनार सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जो कि मेरी कंप्यूटर स्क्रीन को लाइव आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल, किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पे टेलीकास्ट करेगा, और हेडफोन आपस में कनेक्टेड रहेंगे। कोई भी बातचीत करनी हो आप लाइव मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। एक क्लासरूम से बेटर ट्रेनिंग है, क्लासरूम से बेटर ट्रेनिंग इसलिए है, मैं बोला था कि क्लासरूम से हमारी क्लास बेटर है, क्योंकि क्लासरूम में सबसे पहले तो आपको उस लोकेशन जाना पड़ेगा, राइट? और पता ही है कि आप कितना भी नियरेस्ट क्यों ना रहते हो, तो फिर भी आपको आने जाने में 1 से 1.5 घंटा लग ही जाएगा। हाँ वो तो है। देखिए, हमारी ऑनलाइन क्लासेस आप जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, जो कि आप अपने घर से ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव इंटरैक्टिव 1 to 1। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इसके लिए आपको किसी भी चीज का, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में ये सेशन हमारा रिकॉर्ड होता है, इससे क्या होता है कि आपको जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप उसको इन फ्यूचर में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, जी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई तो नोटबुक में नोट करने, नोट को देखने से अच्छा है कि आप वीडियो को देख लें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ जी तो क्लासेज जो है मंडे टू फ्राइडे होती है, तकरीबन 45 मिनट के आसपास। ये ड्यूरेशन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और डिपेंड करता है आपके क्वेश्चंस टॉपिक्स के ऊपर। हाँ जी हाँ जी देखिए, हम ज्यादा क्लास में, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ज्यादा पढ़ाइए, ज्यादा ना पढ़ाने के पीछे रीजन ये है कि जो चीज आप सीख रहे हो कोई डिग्री डिप्लोमा कोर्स तो नहीं है कि आप एग्जाम में पास कर दोगे, पास कर जाओगे और आपको लंबी सी सर्टिफिकेट मिल जाएगी। एक कोर्स ये हाँ जी जो कि आप अपने ऑफिस में यूटिलाइज करोगे, इसको हाँ 100% जी कवर होना जरूरी है। हाँ जी हाँ जी हाँ 1 घंटे की क्लास अगर दी तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे होना जरूरी है। हाँ जी तो ऑफिस लाइफ में कोई बहुत ही कोशिश करे तो 2 ढाई घंटा ही निकाल पाता है स्टडी के लिए, इससे ज्यादा निकालना मुश्किल होता है। हाँ, ज्यादा निकालना पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, इसलिए क्लासेस हम ऑनलाइन देते हैं ताकि आपको आने जाने का जो टाइम है वो प्रैक्टिस में आप यूटिलाइज कर ले। और ये ऑनलाइन क्लासेस में रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है, लाइव है, और साथ में क्या होता है कि स्मॉल बैच होता है। जैसे मैं अभी आपको सिर्फ मैं आप ही को पढ़ा रहा हूँ, हाँ जी तो अब ये नहीं बोलता कि मैं हर क्लास 1 to 1 ही लेता हूँ, लेकिन वो क्लास डिपेंड करता है आपके टाइमिंग के ऊपर। वो टाइमिंग में अगर मान लीजिए कि जनरल शिफ्ट के बाद का टाइमिंग है, आप मॉर्निंग में ले 8 बजे 9 बजे से पहले ले, तो हर बैच में 3 4 बच्चे हैं, लेकिन मैक्सिमम 5 का बैच हमारा होता है, इससे ज़्यादा वाला बैच नहीं होता है। तो 3 से 5 बजे बैच में रहते हैं, लेकिन अगर आप आफ्टरनून में, अर्ली इवनिंग, लेट मॉर्निंग ड्राइव करते हैं, ऐसे टाइम में मोस्टली आप सिंगल रहेंगे, आपके साथ कोई और नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप टॉपिक के बाद बढ़ते हैं। तो आपको एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज करना है, और साथ में करना है पावर बीआई, राइट? तो चलिए मैं वन बाय वन दोनों को इंट्रोड्यूस करता हूँ। सबसे पहले मैं पावर बीआई की बात करता हूँ। हाँ जी मैं बोलूँ तो पावर बीआई पिवट टेबल का एडवांस रूप है, चाहे लीजिए या पावर बीआई लीजिए। जैसे पावर बीआई पिवट टेबल में अपने फील्ड्स को रखिए और आपका रिपोर्ट तैयार हो जाता था, सेम उसी तरह से फील्ड को आप अपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेजेंड में रखिए और आपका विजुलाइजेशन तैयार हो जाता है। बट यही है कि इसमें बहुत सारी डेटा कनेक्टिविटी है, बहुत सारे डेटाबेसिस को कनेक्ट किया जा सकता है, और इसमें विजुलाइजेशन बहुत सारा है, साथ में कई सारे शीट्स की रिलेशनशिप हम कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात, मैं एक सिंपल सा आपको एक रिपोर्ट बनाकर बताता हूँ कि उस रिपोर्ट को एक्सेल में बनाने में कितना टाइम लगेगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर एक्सेल का कितना डिमांड क्यों है। ठीक है, हाँ जी तो मैंने एक फाइल को यहां से लॉक किया है, एक सिंपल सा मैं विजुलाइजेशन तैयार कर रहा हूं।
डेटा कनेक्ट होने में 1-2 मिनट का टाइम लगता है। डेटा को मैंने कनेक्ट कर दिया, लोड कर दिया, ये पिवट टेबल की तरह सारे फील्ड्स आपको यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, फील्ड सर्च ऑप्शन में। हाँ, फील्ड के नीचे इसी में सारा फील्ड आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और पिवट की तरह की पिवट टेबल की तरह आप उठा उठा करके आपका डेटा तैयार होता जाएगा। अच्छा, एक चीज पूछना है कि इसमें अगर मैं कोई भी विजुअलाइजेशन करता हूं तो उसके ग्राफ को मैं एक्सेल में एज ए डैशबोर्ड यूज कर सकता हूं कि नहीं? नहीं, 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 मैं बताता हूं सर। 2 मिनट के इंतजार कीजिए, ठीक है? जैसे मेरे पास ये आ गया। अब मैंने क्या किया, आपने एक सिंपल सा एक ये लगाना चाहता हूँ, मैं अपना विजुअलाइजेशन बनाना चाहता हूँ। यहाँ पहले पहले आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको क्या दिखाना है। मुझे ये दिखाना है, और फिर मैंने क्या किया, क्वांटिटी को इसके अंदर रख दिया। तैयार हो गया। फिर मैं वापस इसको वापस सेलेक्ट करता हूँ। देखिए कितना जल्दी फास्ट फास्ट बन रहा है। और मैंने यहाँ पे अमाउंट को दे दिया, और उसके बाद मैं ये लेता हूँ चार्ट। इसमें मैंने दे दिया प्रोडक्ट, और हमने दे दी क्वांटिटी। और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको क्या हाँ होना चाहिए। सेल्स मोड और यहाँ पे और यहाँ पे देखिए फिल्टर का भी काम आराम से होता है, ठीक है? आसानी से देख सकते हैं। और देखिए कि कितना जल्दी जल्दी हमारा तैयार हो रहा है। मैं यहाँ से एक और ट्री मैप चार्ट लेता हूँ, और इसमें मैं क्वांटिटी रखता हूं, और इसमें मैं रखता हूं नेम। अभी रिपोर्ट हमारा तैयार हो गया। मैं नेम का करता हूं, सिटी भर देता हूं। ठीक है, अब इस रिपोर्ट को मुझे अब यहां पे टाइटल करना है, तो आप यहीं पे टेक्स्ट बॉक्स में आए और यहां पे और इसकी साइज में बढ़ा देता हूं। आपका तैयार हो, इस तरह से और भी बहुत सारे डैशबोर्ड्स को मैं तैयार कर सकते हैं। अब इसको भेजना है मुझे किसी को, जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा कि इस रिपोर्ट को मैं कहां कहां कर सकता हूं, समझे?
हाँ जी तो देखिए इस रिपोर्ट को सबसे पहले तो आप वेब पे पब्लिश कर सकते हो कि आपकी आईडी यहाँ पे कनेक्ट होगी, मैंने इसको सेव कर दिया। वो तो वहाँ फिर क्लाउड पे चला जाएगा ना हाँ ये वो वेब पे हमारा करने। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे, तो ये हमारा क्लाउड पे मेरा पब्लिश हो गया। सबसे पहले इस रिपोर्ट को करना है क्योंकि बाकी जो रिपोर्ट्स को इसको करेंगे आप तो इसी तरह से करेंगे, राइट। तो अब मैं इस पे क्लिक, 1 मिनट, पब्लिश हो रहा है, पब्लिश हो गया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो पब्लिश ओपन हो गया। उस पे आपको इस पे सबसे पहले आपको पब्लिश करके क्लाउड पे ले जाना होगा और वहीं से आप बाकी चीज कर सकते हैं। अब जैसे रिपोर्ट को मुझे एक्सपोर्ट करना है तो फाइल हमारे बारे में आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट दिख रहा है, दिख रहा है? तो एक्सपोर्ट आप कर हाँ सकते जी। हैं पावर बीआई टेम्पलेट, आप बोला कि क्या मैं इसको एक्सेल पे ले जा सकता हूँ? जी नहीं, आप इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको क्लाउड में ले जा सकते हैं। एक्सेल में डाउनलोड नहीं होगा। ना होने के पीछे रीजन ये है कि ये जो डैशबोर्ड्स है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लगी है जैसे कि एक्सेल में चीजें नहीं होगी, इसलिए इसको आप एज ए डैशबोर्ड पे आप नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है? तो इसको आप डैशबोर्ड पे नहीं ले जा सकते। इसको जस्ट आपको इसमें करना है, आप फिर इसको पीडीएफ में सेव कीजिए। उसके अलावा जैसे आप इसको पावर बीआई क्लाउड पे जाके डाउन करेंगे तो ये रिपोर्ट आपका क्लाउड पे ओपन हो चुका है। अब आपके किसी पावर बीआई होल्डर है उसको आप यहाँ से इस ईमेल आईडी डाल के इस रिपोर्ट को शेयर कर सकते हैं, ठीक है? या फिर फाइल करके इसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर इसके एम्बेड कोड से किसी वेबसाइट में आपको लिंक करना है तो यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं, या आपके पावर पॉइंट शेयर पॉइंट ऑप्शन है उस पर ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर पब्लिश टू वेब। पब्लिश टू वेब में क्या होगा, 1 मिनट, मेरा ये रिपोर्ट यहाँ पे एम्बेड कोड, ये आपका एम्बेड कोड जनरेट हो गया आई फ्रेम में, ये आपका कोड है और इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब मैं इस पे इसको किसी भी वेबसाइट पे इसको मैं रन करूँगा और इस रिपोर्ट को मैं देख सकता हूँ। तो वो लिंक डाल करके। हाँ लिंक डाल करके, या फिर इसको पावर पॉइंट में, आप पावर पॉइंट में इसको डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन वो एज ए इमेज होगा, पीडीएफ में कर सकते हैं लेकिन तो पावर पॉइंट और पीडीएफ में उतना कुछ खास नहीं होगा, लेकिन टेम्पलेट में करेंगे तो किसी को भेजेंगे तो पावर बीआई पे उसको ओपन कर सकता है। ओके 1 मिनट, इसके लिए साइन इन बोलूंगा। इसको लॉगिन करके, लेकिन इसके लिए आपको पावर बीआई की आईडी होनी चाहिए सर, या एम्बेड कोड हम कर लेते हैं तो कहीं इसको एम्बेड कर सकते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, या आगे ना सर देखिए। तो वेब पेज में क्या होता है, अब किसी को ऐसे आदमी को भेजना है जिसके पास पावर बीआई का लिंक आईडी नहीं है, पावर बीआई का आईडी नहीं है, तो उसके लिए आपको रिपोर्ट में यहां जाना पड़ेगा फाइल में और यहां पे पब्लिश टू वेब। अच्छा, इसमें इसमें सुजीत जी एक चीज हाँ पूछना था कि हाँ इसमें विजुअलाइजेशन कर सकते हैं या फोरकास्टिंग वगैरह भी हो सकता है इसमें? इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूला है, टैक्स फॉर्मूला है, कैलकुलेशन है, इसके जरिए आप कर सकते हैं। जैसे किसी भी बिजनेस का फोरकास्टिंग करना है मुझे कि इतना लमसम का फोरकास्ट करना है देखिए क्या तो होता है, उसपे। सुनिए बता दे क्या होता है कि आपके जब डेटा टेबल पे जाएंगे तो यहाँ पे आप बहुत सारे फॉर्मूला मिलेंगे कैलकुलेशन करने के लिए, समझिए, मॉडलिंग में बहुत सारे फॉर्मूला मिलेंगे, वहां पे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो इसमें एक्सेल का ये समझिए कि इसको एसक्यूएल एक्सेल एक्सेस सैश सबको मर्ज करके एक तरह से बनाया गया है, समझे? तो बहुत सारे फीचर्स इसमें यूज होते हैं, आगे क्लास में हम बताएंगे आपको। इसे बहुत सारे कैलकुलेशन है क्योंकि फोरकास्टिंग जब आप करेंगे तो
तो किसने किसी हाँ कैलकुलेशन अकॉर्डिंग करेंगे ना, हाँ वो तो करेंगे। कैलकुलेशन यहाँ नहीं, कर सकते हैं। मेरा पूछने का ये था कि सिर्फ डाटा विजुअलाइजेशन भी है ये है, या फिर फोरकास्टिंग भी इसमें हो सकता कास्टिंग भी अच्छा से होता है, रिलेशंस भी बहुत अच्छा से होता है, ठीक है, बहुत सारे फीचर इसमें है, बहुत ही है। पावरफुल ओके टॉपिक है। और दूसरी बात है कि अभी भी बन रही है, ये पूरी तरह से कंप्लीट तैयार नहीं हुई है सर, माइक्रोसॉफ्ट इस पर अभी भी काम कर रहा मार्केट में डिमांड भी इसका बहुत ज्यादा है आज के डेट में, पावर बी आई का। तो पावर बीआई का यूज होता है कि हम एक मतलब कि बहुत ही कम टाइम में अपने रिपोर्ट को ले लें और इस रिपोर्ट को हम बहुत ही इजी तरीके से पब्लिश कर सकें, जैसे पीडीएफ के फॉर्म में, इस फॉर्म में, एक्सेल पे डाउनलोड नहीं होता है, डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं, बस इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। डाउनलोड ना करने के पीछे रीजन मैंने बता दिया कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि एक्सेल में नहीं है, तो उस केस में आप प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, ये इसमें जो भी डेटा डाउनलोड होगा, डेटा हाँ जो लोड होगा वो रॉ डेटा ही लोड होगा, हाँ रो डेटा ही लोड होगा। मतलब जैसे हम लोग पहले क्या करते थे कि चार्ट बनाने के लिए एक्सेल में पहले पाइवट बनाओ, पाइवट के बाद जाकर नहीं के यहाँ चार्ट रो डेटा बनाओ कर या दीजिए, फिर। वो बड़ा पता है, आपको पहले ही बता दिया कि ये पिवट टेबल की तरह ही है, आपने देखा ना किसी ने उठा उठा कर रख रहा था, पिवट टेबल रिपोर्ट बन रहा था। हाँ नहीं, तो उसमें तो ये होता है ना कि पहले पीवेट बनाओ, फिर पीवेट बना नहीं, करके फिर जाकर करके ये सब कुछ टेबल अपने बनाओ आप, या सब चार्ट कुछ बनाओ अपने आप हो चार्ट। जाता है, सब कुछ अपने आप हो जाता है इसमें। हाँ, तो इसमें सिर्फ रॉ डेटा ही डालते हैं, रॉ हाँ रॉ डेटा डेटा से ही ही आप डालना पूरा है, हाँ मॉडल। डेटा के ऊपर एडिशन वगैरह कर सकते हैं, जैसे डेटा पे कुछ कैलकुलेशन करना है, मान लीजिए कि आपका अमाउंट है, एमआरपी है, आपको टैक्स निकालना है जो डेटा में नहीं था, तो ऐसी कैलकुलेशन बहुत सारी चीजें आप अपनी कैलकुलेशन इस पर कर सकते हैं। इसमें लोड करने के बाद अगर मान लिया जाए कोई भी डेट मंथ अगर फॉर्मूला निकालना हो या वो डेट कर सकते निकालना हैं, हो, तो इसी कर इसी सकते रॉ हैं, डेटा में कर सकते हैं, या फिर जाकर के नहीं अपने इसी में पुराने कर वाले सकते डेटा हैं, में कर, इसी में ही कर सकते इसी हैं। में हो जाए, जैसे इसी में मान हो लीजिए जाएगा ना। मान लीजिए ना कि मेरी से टोटल सेल इतनी है जिसके लिए इतना कॉल किया गया है, मुझे यहाँ पे एक निकालना है कॉल्स पर कॉल, सेल्स पर कॉल्स, तो हमने क्या किया, न्यू कॉलम पे क्लिक किया। और डिवाइडेड बाय दिस कर। हाँ यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि सेल्स पर कॉल्स, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला दे दूंगा, फॉर्मूला हमारा है कि जी टोटल डिवाइड जी, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल कॉल्स। बाय टोटल कॉल्स, इंटरफेस के लिए आ गया, ठीक है। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। और यहाँ पे भी जब समराइजेशन पे जाओगे, जैसे कि ये तो मान लीजिए कि सेल्स है, प्रोडक्ट ऑल अमाउंट है, मुझे इसका एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे इसका एवरेज, हम यहाँ अमाउंट आपको दिख रहा होगा वैल्यू, यहाँ आपको दिख रहा होगा सम है, मैं इसको एवरेज कर दूंगा तो एवरेज हो जाएगा, ठीक है। काउंट चाहिए काउंट कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, ओके ये ओके इसको और डिटेल में आपको आपको हम बताएंगे। तो ओके, पावर हाँ बीआई क्लियर हो गया, पावर भी आई, ठीक है। चलिए ओके अब हम बात करते हैं, किस पे हम बात करते हैं, एसक्यूएल एसक्यूएल पे। क्वेरी। देखिए जो मैं एसक्यूएल कराता हूँ वो इसका पर्पस होता है रिपोर्ट ऑटोमेशन में इस्तेमाल करने के लिए, एसक्यूएल क्वेरी है, मैं आपको एक्सेस भी यूज करके बताता हूँ, वीवीएम भी यूज करके बताता हूँ, नॉर्मल एक्सेल में भी एसक्यूएल क्वेरी यूज करके बताता हूँ, ठीक है। तो हम जो एसक्यूएल की लैंग्वेज आपको सिखाएंगे वो सिखाएंगे कि सिक्वल लैंग्वेज क्या है, लेकिन हाँ हम आपको डेटा सिक्वल सर्वर जो है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर है, इस पर भी आपको हम प्रैक्टिस देंगे कि किस तरह टेबल क्रिएट करेंगे, कैसे टेबल लोड करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन बेसिकली हम सिखाएंगे आपको यहाँ पे न्यू क्यूरी, इसमें हम क्यूरी कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट क्यूरी क्या है, और क्यूरी क्या है, डिलीट क्यूरी क्या है, मेक ए टेबल क्या है, रिलेशनशिप क्या है, वेयर क्या है, ये चीजें हमें आपको यहाँ पे कवर करेंगे। हाँ, इसमें तो बहुत सारे हैं, जैसे डाटा लोडिंग है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, डाटा लोडिंग है। तो इसमें मैं आपको सिक्वल क्यूरी लैंग्वेज कराऊंगा जिसका यूज आप एक्सेल में कर सकते हैं, एसक्यूएल में कर सकते हैं, आपका स्क्रिप्ट, आपका जो ये है एसक्यूएल के ये हाँ क्वेरी एक्सेल के डेटाबेस पे लगता है क्या? एक्सेल में क्यूरी हम लगाते हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे
सिंपल सी एक बात करते हैं कि हमारे पास एक डेटा में मेरा डेटा है, तो मुझे उस डेटा पे लोड लाना है, उस पूरी टेबल को इस डेटा पे लेके आना है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे टूल्स में जाते हैं और यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करते हैं फ्रॉम फाइल एक्सेल वर्ड पे। और मैं एक मिनट, एक तो सर बगल में स्कूल है सर, समझे, वो सुबह जो है प्रार्थना करना शुरू करता है, 9:30 तो आधे घंटा प्रार्थना करता तो दक्षिणपुरी में आप रहते हैं क्या? है। देखिए दक्षिणपुरी में रहता हूँ और मैं मुजफ्फरपुर बिहार में भी रहता हूँ, दोनों जगह रहता हूँ, मैं आते जाते रहता हूँ सर। हमने अच्छा, नहीं मैं तो सामने आपके सामने ही देवली में हूँ। तो दक्षिणपुरी में मैं फिलहाल तो नहीं हूँ, फिलहाल मैं अभी बिहार मुजफ्फरपुर में हूँ, दक्षिणपुरी में आऊंगा कुछ दिन में। तो ये बेसिकली क्या है कि हमने यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट लिए हुए हैं, समझे, तो वो प्रोजेक्ट के लिए मुझे आना जाना पड़ा लग रहा था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मैंने उसकी पूरी स्कैनिंग का काम लिया हुआ है, अच्छा तो जब तक तो वो काम खत्म नहीं होता तब तक मुझे आना जाना लगा रहेगा मेरा। ओके। स्लो जो ये एक्सेल का कौन सा वर्जन है ये? 2009 Office 360 वाले में, जैसे यहाँ पे डेटा को मैं सिलेक्ट किया तो इसमें जितना भी डेटा होगा, डेटा दिख रहा है आपको, ये डेटा को मैंने यहाँ पे लोड कर लिया। तो अभी क्या हुआ कि आपका पूरा का पूरा डेटा लोड हुआ, राइट। यहाँ पे दूसरे एक्सेल से डेटा आया लेकिन पूरा का पूरा डेटा आया। मैं चाहता हूँ कि नेम में सिर्फ मुझे कविता का या पूजा का, अभी जब मैं चाहूँ उसका डेटा लाना है, तो उस केस में हम यूज करते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी। तो डेटा में हम फ्रॉम डेटा अदर क्यूरी में, हम देखें क्यूरी यहाँ पे चलता है, एसक्यूएल क्यूरी चलता है, इसमें भी आप अपेंड वगैरह क्यूरी चला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आता है माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी। अब इसका एक बहुत ही बड़ी चैप्टर है, पर थोड़ा सा पार्ट बता रहा हूँ आपको। और मैं यहाँ पे ओके करता हूँ एक्सेल फाइल सिलेक्ट करके, और यहाँ ना डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें मैं नेम पे गया और मैं यहाँ पे इक्वल टू मान लीजिए कि मैं पूजा कर लेता हूँ, और भी कंडीशन लगा सकते हैं इसमें। और यहाँ पे हम करते हैं फिनिश, एंड टेबल ही चाहिए मुझे, पिवट टेबल नहीं चाहिए, तो ये टेबल आ गया। तो अब देखिए सिर्फ पूजा का डेटा आया ना। मैं चाहता हूँ कि मैं AB1 पे मैं लिखता हूँ नीरज, मान लीजिए मैं इंदर लिखता हूँ, तब यहाँ पे इंदर का डेटा आना चाहिए। तो आप क्या करें, यहाँ पे डेटा में जाएंगे, कनेक्शन क्यूरी कनेक्शन पे जाएंगे, तो यहाँ पे जो भी क्यूरी है, क्यूरी फ्रॉम एक्सेल फाइल, इस पे डबल क्लिक कीजिए। एक मिनट, गलत हो गया, नहीं, गलत हो गया, सॉरी, माफ कीजिए। कनेक्शन पे आता हूँ, इस पे डबल क्लिक किया तो इसकी प्रॉपर्टीज खुल गई। यहाँ डेफिनेशन में आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी लगा हुआ है, लगा हुआ ना। अब जहाँ पूजा है वहां उसको हम डिलीट कर देते हैं, वहां पे वो नीरज नीरज डाल देंगे। यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपने सीट से लिंक करना चाहता हूँ, तो मैंने बस क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अच्छा अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा रेफरेंस बताइए, पैरामीटर उसको बोलते हैं, तो AB1 है, हमने इसको ओके किया। लिंक नहीं हुआ, वो सीट रेफरेंस हमने नहीं दिया इसमें। यहाँ पे पैरामीटर्स पे क्लिक करता हूँ, AB1 है ना। पूरा आना चाहिए था AB, इस तरह से आना चाहिए था,
and OK. Refresh automatically when the sales value change. And OK. Okay. In the cup. Yes, sir. कविता देता हूँ ना इंदर आ कविता देता हूँ कविता आ गया ठीक है तो इसका यूज होता है लेकिन आप इसका यहाँ पे क्यूरी एडिटर भी होता है पावर क्यूरी एडिटर भी होता है ठीक है ना तो इसमें भी आप एसक्यूएल के जो कमांड है वो कमांड यहाँ भी आप कर सकते हैं चेंज ठीक है इसमें भी आपका पावर बीआई का जो भी फीचर्स है सारा फीचर्स यहाँ पे आता है तो ये चीज है तो ये आपके एसक्यूएल सर्वर में हम आपको ये चीज कराएंगे लैंग्वेज उसको हम क्यूरी पहले क्यूरी पूरा सिखाएंगे फिर उस क्यूरी को यूज करना सिखाएंगे आपको कहाँ पे एसक्यूएल सर्वर पे एक्सेल पे और साथ में एक्सेस पे वीवीए पे ठीक है तो ये रहा कोर्स अब इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो अगर इंडिविजुअल इंडिविजुअल बोलूं तो पावर बीआई आपको 1.5-2 महीने के आसपास ले लेगा और आपका एसक्यूएल सर्वर भी आपको 1-1.5 महीने ले लेगा क्योंकि एसक्यूएल सर्वर में तीन एक ही चीज को तीन जगह पे रिपीट करना है सर क्या एक ही चीज को तीन जगह में रिपीट करना है एसक्यूएल क्वेरी को एक्सेल में कैसे यूज करेंगे वीवीए में कैसे यूज करेंगे एक्सेस में कैसे यूज करेंगे तो तीन जगह पे रिपीट करना है ठीक है हाँ जी तो